नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का जिला सदर, मेरा नाम बरकत अली। हमारे जो कायदे नेशनल ट्रेड यूनियन का रियासी सदर है वो मोहम्मद गफूर डार हैं। तो हमारा आज जो ये मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमें बहुत से दिक्कतें आ रही हैं कि हमें हमारे डिलीवर जो हैं उनको 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि अरसों से ये काम कर रहे हैं लेकिन आज तक गवर्नमेंट को टस से मस नहीं है, न ही इनका कोई रेगुलर कोई पॉलिसी बनाई, न ही कोई वेजेस हेड बनाया, तो ये बेचारे बहुत डेफर कर रहे हैं। हमारी ये मांग है गवर्नर इंतजामिया से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, हमारी ये डिमांड है कि कम से कम खुदा रहा ऐसा ना हो कि ये भी किसानों की उस बात पर आएंगे जैसे किसानों ने आंदोलन छेड़ा है। और हमें भी लगता है कि हमारे डेली वेजर भी वही अब शुरुआत करेंगे कि अगर इनकी सैलरी नहीं मिली, इनका कोई एसआरओ नहीं बना, जैसे एसआरओ चोट 1994 में कुछ लगे थे हमारे डेली वेजर लेफ्ट हैंड डेली वेजर जो है, तो उनके साथ भी माँ का सौतोली माँ का स्वागत किया गया, क्योंकि हर बार उनके कागज जो है वो जेब से वापस आते हैं। तो हमारी गुजारिश यह है कि गवर्नर निजामिया से कम टेलीविजनों का मसला हल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल हम भी सड़कों में उतरेंगे और बच्चे लेकर, टेलीविजनों का कहना है कि बच्चे लेकर फैमिली लेकर हम सड़कों में उतरेंगे, फिर उस वक्त गवर्नर जमादार होगी। तो हमारी यही गुजारिश है, हमारी यही डिमांड है। दूसरी बात, हमारे परमानेंट स्टाफ जो है, परमानेंट लोग हैं, ये भी डहर कर रही है कि 2 साल से कोई डीपीसी नहीं हो रही है, ये रिटायर भी हो रहे हैं लेकिन इनकी जो जिनका हक बनता है वो इनको नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये गुजारिश है कि कम से कम डीपीसी होनी चाहिए ताकि ये भी उस जुमरे में आएंगे, ये भी कहीं आपने वो फेडर का लेंगे हक या सुपरवाइजर का या लाइनमैन का हक इनको मिलेगा, नहीं तो ये बेचारे ऐसे डेलीवर जैसे जाते हैं वैसे ये भी जाते हैं, तो इनको भी अपना हक नहीं मिलता है। हमारी ये गुजारिश है कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, डीपीसी होनी चाहिए ताकि जो लाइनमैन के मुताबिक ये पोस्टें इन्होंने रखी है या सुपरवाइजर के हिसाब से रखी है तो इनको भी वो हक मिलना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है कि अगर यूटी बनी है, सरकार का कहना था कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ वो कहाँ गया? अगर यूटी बनी तो यूटी का हमें फायदा मिलना चाहिए। हमारे डेलीवेजर मर भी गए तो गवर्नमेंट को ये टस से मस नहीं। दूसरी बात कि अगर गवर्नमेंट ने लैंड वाले लगाए थे तो उनको भी अपना हक नहीं, आज उनको भी 12 वोचर 13 वोचर मांगते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है कि अगर गवर्नमेंट ने उनको लगाया, उन्होंने जमीनें दी होज के लिए, एक एक कनाल दो दो कनाल उन्होंने जमीन दी, तो आज उनको वोचर मांगते हैं, जिनको वोचर नहीं है उनको बोलते हैं छुट्टी कर। दूसरी बात यह है कि हमारे लेफ्ट हैंड डेलीविजन, जब गवर्नमेंट ने माना था कि अगर ये जिस वक्त रिटायर हो जाएंगे, अगर परमानेंट से पहले ही रिटायर हुए तो कम से कम इनको मिनिमम 2 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन आज हमारे 40 आदमी यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन डोडा में रिटायर हुए हैं लेकिन उनको कोई फायदा नहीं, उनकी सैलरी भी बंद कर दी है। तो हमारी गुजारिश है कि उनको कम से कम जो गवर्नमेंट ने माना था 2-2 लाख वो मिलना चाहिए ताकि वो भी बेचारे अपने बच्चों को कहीं कुछ ना कुछ दिखाएंगे घर में जाकर, नहीं तो वो बोलेंगे वो कहीं भिखारी पर थे कहाँ थे। तो हमारी यह गुजारिश है। मेरा नाम केवल कृष्ण, मैं एक वेस्ट ट्रेड यूनियन फंड से जुड़ा हुआ हूँ, आरजी मुलाजिम हूँ, और हमारे रियासती सदर जो हैं मोहम्मद गफूर डार साहब हैं। तो आज की कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी कि मुझे और मेरे साथियों को 20-25 साल इसमें काम करते हुए, लेकिन आज तक चाहे जितनी भी गवर्नमेंट हमारी आई, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, तो एक वक्त ऐसा आया था कि 2014 की बात मैं करूंगा कि 2014 में एक मुहिम चली थी कि बीजेपी वाले जो था उनने भी कहा था कि हम आपको परमानेंट करेंगे, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने थोड़ा सा बदलाव लाया कि यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस वगैरह जितनी पार्टियाँ हैं
वो गरीबों का काम नहीं कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा 2014 में ये बदलाव लाया था, हम ही लोगों ने, हम ही गरीब जनता ने लाया था। लेकिन आज 6 साल 7 साल हो गए तो ये भी नाकाम हो गए। आज की डेट में कॉन्फिडेंस का हमारे ये मतलब है कि हमारे जो सियासी लोग हैं या गवर्नर साहब हैं, उनके पास एक लिस्ट जाती है 60,000 मुलाजमों की। मैं आज के चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये 60,000 नहीं, ये 3 लाख लोगों की बात है, ये 60,000 फैमिलियां हैं जो कि अपनी रोजी रोटी से भी महरूम हैं। हमारे बच्चे जो, हमारी जिंदगी जो है ये तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारे जो बच्चे हैं वो ना वो स्कूलों में आगे पढ़ सकते हैं, ना उनके लिए हम जो खर्चा वो पूरा नहीं होता है। इसके लिए हमने एक बार हमारी डीसी साहब से ये बात हुई थी, मैंने डीसी साहब को कहा था कि ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान बच्चे कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं, ऐसा ना हो कि वो हमारे बच्चे कहीं रास्ते से भटक ना जाएं। तो डीसी साहब ने ये हमें जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने बच्चों को समझा के रखें। तो हम कब तक हम अपने बच्चों को समझाएंगे, ये अब हमारा वक्त जो है ये एंड है। जब एंड आता है तो कोई ना कोई मसला हल होता है। अब हमारा एंड यही है कि हम अपने बच्चे लेके सड़कों पे उतरेंगे, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो, नहीं तो। इसलिए हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार ये हाथ जोड़ के उनके साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला जो है ये 60,000 फैमिलियों का मसला है, ना कि 60,000 मुलाजमों का। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से, जो भी हमारे इंतजाम से, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले हम आरजी जो मुलाजम हैं उनको परमानेंट किया जाए, और ये हमारी पेंडिंग सैलरी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए।